सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? तो फाइनली एसर नाइट्रो 5 2022 मॉडल इज हेयर। मतलब मेरे को नहीं है, अनाउंस करता है एसर ने अपना उदा नाइट्रो 5 2022 मॉडल। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ भाई, डिज़ाइन पूरा का पूरा चेंज हो चुका हुआ है, स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ और की दसना और कुछ नहीं है। मतलब चलिए शुरू कर दें। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट यार, रेड कलर का बटन दबा दो। एंड टफ 2022 मॉडल भी आ चुका हुआ है, तो उसकी वीडियो भी देख लेना, कल ही डाली थी। तो सबसे पहले हम देखो डिज़ाइन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चेंजेस है, मतलब सब कुछ वैसे चेंज हो गया, तो डिज़ाइन की पहले बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो आप पहले देख लो, उसके बाद हम स्पेक्स वगैरह की बात करते हैं। एंड रैम में भी भाई एक में दिक्कत कर दी इन्होंने, दिक्कत नहीं मतलब कंजूसी मार देती है इन्होंने। तो पहले डिज़ाइन देखो, ओहो ओहो माई गॉड, इतना खूबसूरत। ओह भाई साहब, पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दिया। ओहो AMD इंटेल वाला भी आना, टेंशन ना लो, कौन सा मतलब CPU वो आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई साहब डिज़ाइन देखो, हिंजेस है ना वो चेंजेस चेंज कर दिए, मतलब डिज़ाइन ही पूरा रीडिज़ाइन कर दिया उन्होंने। तो ये देख के मुझे एक MSI का मॉडल याद आ रहा है, वो पता नहीं कहना से आप कमेंट्स में बता रहा। तो ये देखो कैसा डिज़ाइन कर दिया, और पीछे से देखो लाइनें भी हैं, मतलब स्ट्रिप्स हैं RGB वाली। तो एक और वीडियो भी है, वो भी आप देख लो। ओ माय गॉड, हियर इट इज। ओहो ओहो, पोर्ट्स भी हैं, वो पावर भी है, स्पीड भी है, और इंटेल भी है। ओहो एसर की ब्रांडिंग भी है, वाह। ओहो कीबोर्ड भी दिया हुआ है, वाह। देखो रीडिजाइन कर दिया लिख के आया था, और डिस्प्ले भी है देखो। तो ये हमारा है एसर नाइट्रो 5। तो देखो पीछे से ये RGB स्ट्रिप्स तो नहीं है, आई थिंक डिज़ाइन है खाली। तो भाई कीबोर्ड देखो, कीबोर्ड तो वैसे सेम ही लग रहा है पुराने पुराने वाला, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन चेंज किया गया है, तो मतलब थोड़ा तिक्खापन कर दिया लैपटॉप के अंदर। चलो अब स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो आपके देखो दो वेरिएंट आने वाले हैं, मतलब ऑफकोर्स इंटेल एंड राइजन आएगा। तो AMD के साथ देखो राइजन 6000 सीरीज आएगा, राइजन 5 एंड राइजन 7, राइजन 9 भी आ सकता है। तो अप टू 3070 RTX 3070 Ti, तो मतलब 3050, 3060, 3070, 3050 Ti, 3080 तो है नहीं, चलो। तो ये आने वाला है आपको अप टू 32 GB रैम DDR5 वाली। अब इंटेल वाला देख के ये गलत लिखा है, इंटेल वालों ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देख लो। तो इंटेल वाला जो वेरिएंट आने वाला है वो इंटेल का बताइए आपको 12 जनरेशन CPU के साथ एंड अप टू 3070 Ti। तो 3070 Ti न्यू CPU सॉरी GPU लॉन्च किया लैपटॉप्स के लिए, अप टू 32 GB DDR4 32 MHz। अब ये काम खराब किया उन्होंने, अब ये शायद गलत लिखा हो भी सकता है, क्योंकि हम देखो मेरी भी आदत है DDR4 बोलने की, तो DDR5 अभी नया नया है, तो जो जो टाइप कर रहे होंगे उसकी आदत होगी DDR4 32 MHz लिखने की। तो बाकी ये गलत नहीं है, क्योंकि दो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब दोनों मेगाहर्ट्ज भी पुराना लिखा है, DDR4 भी पुराना है। तो ये इसमें फिर इंटेल में ये DDR5 नहीं दे रहे शायद, बाकी क्या बता आ जाए। बाकी आपका वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2, स्टोरेज का देखो कोई भी इन्होंने बताया नहीं है, और कोई स्पेक्स मेंशन नहीं है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने दिखा दी आपको, एंड टफ वाली वीडियो देख लेना। तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, एंड बाय बाय।